Let's do question number 20 of exercise 16, that is presentation of data in tabular form. Question number 20 is, find the value of A, B, C, D, E, F, G from the following frequency distribution of the height of 50 students in a class. Friends, hume height ki jo frequency distribution de rakha hai, usme in sab ki values nikalne. Kaise nikalenge, dekhiye. मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी एज इट इज होती है, लेकिन क्यूमुलेटिव क्या होती है, सबसे पहले यही लिखा जाता है, फिर उसमें ऐड करके लिखा जाता है, राइट right? अब यहाँ पे ए क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज होता है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई एज इट इज जितनी फ्रीक्वेंसी की है 15, राइट right? तो यहाँ पे क्या आ गई 15. अब इस 15 में बी क्या होगा, ये वाली वैल्यू कैसे आई होगी, ये आएगी दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, मैंने आपको ऐसे करके बनवाया था, दैट मींस दिस प्लस दिस, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 35. ए हमारा आया 15, बी हमें पता नहीं है इक्वल्स टू 35, तो बी कितना आ गया, ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो 35 माइनस 15 दैट इज 20, तो बी कितना आ गया हमारा 20, राइट right? अब दिस प्लस दिस, फिर सी आया, इन दोनों को ऐड करके सी आना चाहिए, तो देखिए 35 प्लस 12 इक्वल्स टू सी, तो सी कितना आ गया 47, ये आ गया 47. अब 47 में क्या ऐड करूं कि 50 बन जाए, यहाँ पे 47 ही लिख रही हूँ सी की जगह, प्लस डी इक्वल्स टू 50, डी की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 47 दैट इज 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3. अब 50 में क्या ऐड करूं कि 55 आ जाए, 50 प्लस ई इक्वल्स टू 55, तो कितना आ गया ई 55, ये माइनस का हो गया इधर जाके, इक्वल्स टू 5 इज द आंसर. अब E कितना आ गया हमारे पास 5, नाउ इसमें ये ऐड करके ये आ जाएगा, ये ऐड किया ये आया, तो 55 प्लस 5 इक्वल्स टू F, तो F कितना आ गया दैट इज 60, F आ गया 60, राइट फ्रेंड्स. अब हमें ये निकालना है कि G कितना है, तो G कितना आया 15 प्लस B प्लस 12 प्लस डी प्लस ई सॉरी प्लस 5, 15 प्लस बी कितना था 20 प्लस 12, डी कितना आया हमारे पास 3, ई कितना आया 5 प्लस 5, तो देखिए ये कितना आ गया 20 30 35 40 45 प्लस ये कितना आ गया 15, तो ये कितना आ गया 60 इज द आंसर ऑफ जी. आप चाहें तो यही वैल्यू भी लिख सकते थे. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.